अच्छी लग रही हो तो क्यों ना इस जोड़ी को हमेशा के लिए। अरे यार, तुमने तो मेरे मन की बात कह दी। देखो बहन, मैं तो 100 बार की एक बात जानती हूँ, जमाना चाहे जैसा भी हो, हम आपकी निशा को अपनी पलकों पर बिठा कर रखेंगे। बहन, मैं भी एक औरत हूँ और आपका दुख समझती हूँ। मेरा लाल कर हो रहा है ये बेटा, तैयार नहीं होना। अरे जल्दी तैयार करो बेटा, आज तो तेरी शादी है। मैं जो भी करना है जल्दी जल्दी करो, अम्बा माता के मंदिर पहुंचना है। हाँ? देर हो जाएगी, शादी का मुहूर्त निकल जाएगा। हाँ, जल्दी कर रहे हैं, थोड़ी सजाने तो दो अपनी गुड़िया को, शादी हो रही है उसकी। मेरी लाडली बेटी सजेगी। चलो जल्दी करो। हाँ। Oh, no, 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 no,
शादी एक दूसरे का माला अपना ये निरंजन भाई इसे कहते हैं ऊपर वाले का करिश्मा। हाँ भाई, बरसों बाद दो दोस्तों को मिलाया और आज ही समझी बना दिया। अब तो जीवन भर का साथ है। क्यों जी? मेरे कहा था ना कि अपनी दोस्ती ऐसी मजबूत हो कि तोड़े ना टूटे। अब कोई तोड़ के देख ले। सवाल नहीं पैदा होता क्या भाभी जी? ठीक है ना? अरे बाबा क्या बढ़िया जोड़ी। आ गया अपना घर, हवेली आ गई। चलो उतरो बेटा। आजा बेटा बेटा आजा। अरे 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 वाह। धनिया सामान उतार ले। चल। अरे अरे मेरी गुड़िया रानी कैसे हो? नमस्कार कुमार। अरे रे साले साहब नमस्कार भाई, कब आए आप? आए हुए तो बहुत वक्त हो गया कुमार जी, अब तो जाने की पूछी। नहीं नहीं नहीं, जाने की भी कोई बात नहीं कर लो पहले। अच्छा, मुझे खुश करने के लिए मिठाई भी लेके आए हुए? नहीं नहीं, खुश करने के लिए नहीं, खुशी की खबर देने के लिए मिठाई खिला रहा हूँ मैं। भाई मैंने आपकी भांजी निशा की शादी कर दी और गंगा नहा ली। घूर के क्या देख रहे हो? जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया? क्या हुआ, उसका रिश्ता करना आपको पसंद नहीं आया? अरे भाई लड़की तो वैसे भी पराए घर की होती है, अब जो काम कल करना था वो आज कर दिया। ये आपने क्या किया कुमार जी? किसकी शादी किसके साथ? उस बच्ची की शादी कर दी जिसको तरीके से अपना नाम बोलना भी नहीं आता। आपको किसने दिया ये हक? ये आपने अन्याय किया उसके साथ, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। ये आप क्या बकवास कर रहे हैं? हम राजपूत हैं, ये हमारी प्रथा है। आप किस राजपूत की बात कर रहे हैं? उन राजपूतों की जो पढ़े लिखे हैं और अच्छाई बुराई समझ सकते हैं, या उन राजपूतों की जो गंवार और लकीर के फकीर हैं? देखिए हम लोग शहरी नहीं है जो हर बात को अनदेखा करते हैं। हम अपनी सभ्यता संस्कृति रीति रिवाज कैसे भूल सकते हैं? कुंवर जी आपकी रूढ़िवादिता है, पिछड़ापन है, आपकी सभ्यता और संस्कृति नहीं है। आप लोग मेरी बात तुम चुप रहो। जब मर्द बात कर रहे होते तो औरतें बीच में नहीं बोलती हैं। तुम्हारा काम रसोई घर में, रसोई घर में रहो, वहां से बाहर निकलने की कोशिश मत करो। कुंवर जी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, उन्हें मना कर दीजिए, कह दीजिए कि ये शादी संभव नहीं है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं उन्हें जबान दे चुका हूं, वचन दे चुका हूं। आप क्या चाहते हैं मैं अपनी जबान से अपने वचन से मुकर जाऊं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरी रगों में ठाकुरों का खून है, एक बार जो जबान दे दी सो दे। अपनी जुबान और झूठे अहंकार के लिए आपको अपने बच्चों की बलि देने का कोई हक नहीं है कुंवर जी। ये आपने बहुत बड़ी गलती की है और भविष्य में इसको भुगतना पड़ेगा आपको। कुंवर जी हमारे समाज में वो प्रथा भी थी जहां औरतें खुद अपने पति का चुनाव करती थी, स्वयंवर की प्रथा नहीं सुनी है आपने? दुनिया कहां से कहां चली गई कुंवर जी, और आप उसी भंवर में उलझे हुए हैं, रूढ़िवादिता के भंवर में। देखिए आप अपनी ये महानता अपनी ये समझ अपने पास में रखिए, मुझ पे थोपने की कोशिश मत कीजिए। जो मैंने कर दिया सो कर दिया। कुंवर जी आप सच्चाई को नजरअंदाज करें, और जिस दिन इस सच्चाई को आप महसूस करेंगे ना बहुत पछताएंगे। आज मैं जा रहा हूं कुंवर जी, अब मैं उसी दिन इस घर में कदम रखूंगा जब आपको सबक मिलेगा, और आपको सबक जरूर मिलेगा। चलता हूं। छोड़िए ना भैया। नहीं बहन, मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि तुम भी बिल्कुल नहीं सोच सकते। अच्छा मेरी गुड़िया रानी, चलता हूं मैं। भैया ऐसा मत कीजिए। भैया
शिवनाथ जी चले गए तो चले गए, मैंने तो उन्हें जाने के लिए नहीं कहा था। आज आपका भैया से इस तरह से नाराज होना मुझे अच्छा नहीं लगा। नहीं तो क्या, तुम्हारे भैया की बेहुदी बातें सुनकर के मैं उनकी आरती उतारता। देख तू ही बता, मैंने निशा की शादी करके क्या गलती की है? आखिर एक न एक दिन उसके लिए अच्छा लड़का तो ढूंढना ही था। लेकिन आज अपनी निशा अगर बड़ी होती तो उसकी इच्छा भी तो हमें जाननी होती। देख, हम जिस परिवार से हैं उस परिवार में लड़की की इच्छा है उसका मशवरा नहीं लिया जाता। लड़की की शादी माँ बाप की इच्छा से होती है। मैं अच्छा लड़का, अच्छा परिवार मिला, तुमने निशा की शादी कर दी तो उसने बुराई क्या की है? हाँ हाँ, लड़का अगर ज्यादा नहीं पढ़ पाया तो वो खेती कर सकता है, उनके पास बहुत जमीन है। एक सबसे बड़ी बात सुन, हमारी बेटी निशा उस परिवार में इकलौती बहू बनेगी। तुम्हारी शादी भी तो तुम्हारी माँ बाप की इच्छा से ही हुई थी। आज दिन तक जिंदगी में कोई परेशानी हुई? अब देखिए, भैया ने बड़े छोटे शहरों को देखा है, उसकी रीति रिवाज को देखा है, उसकी अच्छाई बुराइयां देखी है, उसके प्रगति के कारण भी देखे हैं। अब उसका ये सोचना भविष्य को लेकर है। अब वो चिंतित तो है हमारी बेटी के लिए। ऊपर वाला ना करे कहीं ऐसा हो कि निशा अगर बड़ी होकर उसे पसंद नहीं आए तो फिर क्या होगा? तुम्हारे भैया की सारी दलीलें निहायत बकवास हैं, एकदम फालतू। इस तरह की बातें सोचना एकदम बेवकूफी है। अब तू भी भैया की भाषा बोलने लगी। नहीं, मेरा कहने का मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं था, सोच दिमाग में आ गई। देखो, मैंने वायदा किया है और मैं वायदे पे एतबार करता हूँ। ये कोई किसी कॉलेज की प्रेम कहानी नहीं है, ना ही किसी फिल्म की। ये बात है उसूलों की, गांव के संस्कार और गांव की सभ्यता की। और फिर हमने निशा को कौन सा ज्यादा पढ़ाना है? बस उसे इतना ही पढ़ाना है कि वो अपना नाम और चिट्ठी लिख सके, बस। देखो बच्चों, आज से अनार, बड़े आज से छोटी से छोटे, उसे उल्लू, छोटे उसे उल्लू, बड़े उसे ऊंट, बड़े उसे ऊंट। नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते ठाकुर साहब, क्या हाल है? बहुत दिनों के बाद दर्शन दिए आपने। बस निकल रहा था, सोचा आपसे भी मिलता जाऊं और निशा बेटी को भी देखता जाऊं कि पढ़ाई कैसी चल रही है। बहुत अच्छा हुआ आपके दर्शन हुए आज। नहीं पापा, मुझे नहीं पढ़ना है। ठाकुर साहब, बच्ची की बेवजह की जिद को पूरा मत कीजिए, बच्ची को स्कूल में पढ़ने दीजिए। देखिए मारसा, या भणे कि नहीं भणे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठाकुर निरंजन सिंह की बेटी है, इन्हें के कमी है? अरे घर गृहस्थी की बात तो अपनी माँ से सीख लेगी। ठाकुर साहब वो तो ठीक है, आजकल जमाना बदल गया है, हमारे बच्चे में पढ़ाई के प्रति रुचि पैदा करना हमारा काम है, आपकी जिम्मेदारी है सिर्फ बच्चे को स्कूल तक भेजना। आजकल के टाइम में पढ़ाई लिखाई की बहुत कीमत है, आज की पढ़ी लिखी लड़की आज तो आपके घर का नाम रोशन करेगी, कल किसी के घर में जाएगी वहाँ का जीवन स्तर ऊंचा उठाएगी, वहाँ का नाम रोशन करेगी। मास्टर साहब, मुझे एक बात आज तक समझ में नहीं आई, जिसे देखो कल की बात करता है, आज की बात तो कोई करता ही नहीं है। खैर चलिए छोड़िए, आज तो मैं इसे घर लेकर जाता हूँ, कल आप आते वक्त इसे साथ में ले आना अगर आप ला सको तो। मुझे तो भाई किसी तरह का कोई एतराज नहीं है। धन्यवाद, जैसे आपकी इच्छा। अच्छा मास्टर जी, चलो फिर। अच्छा जी, नमस्कार, थैंक यू। हाँ जी बच्चों, हम कहाँ थे? ऊंट पे, उसे ऊंट। देख बेटा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ, ध्यान से सुनना। हाँ, एक थी राजकुमारी, उसका नाम था विद्या। वो बड़ी होशियार और बुद्धिमान थी, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती गई
सबको उसकी शादी की चिंता लगने लगी। क्यों? क्योंकि उसने जिद पकड़ ली कि जो उससे होशियारी में और बुद्धि में जीतेगा ना, उसी से वो शादी करेगी। अब पूरे राज्य में और दरबारियों में ये ऐलान कर दिया कि जो राजकुमारी के शास्त्रास्त्र में जीतेगा उसी से राजकुमारी शादी करेगी। अब एक से एक राजकुमार आते गए और सब उसकी बुद्धि और होशियारी के सामने मात खाते गए। अब एक दिन एक दरबारी ने एक आदमी को देखा। वो आदमी जिस डाल पर बैठा था ना, उसी डाल को काट रहा था। लेकिन दरबारी को सूझी शरारत और उसने उस आदमी को पकड़ा और ले आए राजकुमारी के साथ। क्यों? राजकुमारी को बोलता है ये बुद्धिमान है। अब राजकुमारी ने उससे सवाल जवाब शुरू की। अब राजकुमारी ने दिखाई एक उंगली तो आदमी ने दिखाई दो, राजकुमारी ने दिखाई पांच उंगली तो उस आदमी ने दिखाया मुक्का। पर राजकुमारी को तो उसके शास्त्रार्थ के सब सवाल के जवाब मिल गए और वो बड़ी प्रसन्न हो गई और उसने उससे शादी कर ली। अब ये मूर्ख बन गया उसका पति। लेकिन राजकुमारी की बुद्धि और होशियारी से वो मूर्ख भी विद्वान बन गया और पूरे जगत में ना कवि कालिदास के नाम से जानने लगा। इसलिए बेटा, जब बुद्धि और होशियारी होती है ना, वो मूर्ख को भी विद्वान बना देती है। माँ, मैं पढ़ूंगी माँ, मैं पढ़कर खूब नाम कमाऊंगी माँ। हाँ माँ। देखना मामा, एक दिन मैं आपकी जितनी हो जाऊंगी। अरे मुझसे भी लंबी हो जाना थी। कब से कह रही थी कब छुट्टियां हो और मामा के घर जाए, मामा के घर जाए। बस अब खुश ना? हाँ मामा, हम लोग खेलने जाए। पहले कुछ खा पी लेते हैं उसके बाद खेलते। आते ही सीधा खेलने की बात। चल बिंगो, हम लोग खेलने जाते हैं। और हमारे जीजा जी कैसे हैं? अच्छे हैं भैया। मैं भी अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? बहुत अच्छा। पता नहीं है। जो मैं कहना चाह रहा हूँ मुझे कहना चाहिए भी या नहीं, तुम लोगों ने इतनी छोटी बच्ची का ब्याह करके अच्छा नहीं किया। भैया मैं औरत हूँ, कहाँ बोल सकती हूँ। अब शादी के बाद तो औरत घर की बन के रह जाती है, उसे कहाँ है बोलने का हक। तुम्हें पता है अर्धांगिनी का मतलब क्या होता है? पति का आधा हिस्सा होती है वो, उसके सुख का, उसके दुख का, उसके विचारों का, उसके व्यवहार का हिस्सा है वो। पति और पत्नी का संबंध स्वामी और दासी का नहीं, दोस्त का होता है। भैया गांव में ये सब संभव नहीं है। यहाँ तो पति के मुंह से जो कुछ भी निकला वही कानून है, उसे किसी भी कीमत पर टाला नहीं जा सकता। अगर पति ने किसी को वचन दे दिया है तो पत्नी को किसी भी कीमत पर उसका पक्ष लेना होगा। भैया मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तुमने निशा का रिजल्ट देखा है? तुम्हें लगता है हमारे बच्चे किसी से कम है? भैया मैं मानती हूँ, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। देख देख पतंग कैसे उड़ रही है। हाँ। दीन छोड़, दीन छोड़।
सज्जन ऊपर आओ। ए डील छोड़। हाँ देखो कज्जन, तुम्हारी निशा किसी से कम नहीं है। अरे नहीं नहीं निशा, चल पतंग भाई को दे दे, तू अंदर चल। चल ऐसे क्यों कर रही हो कंचन तुम? अरे नहीं भैया, पतंग उड़ाना लड़कियों का काम नहीं है। चल चल दे दे तू, चल अंदर चल। बिल्कुल अपनी माँ की फिक्र मत करो, तुम तो पतंग उड़ाना में माहिर हो। हाँ ऐसे उड़ाना, और आज रात में तुम्हें अच्छी अच्छी कहानियां सुनाऊंगा। ये देखो बेटा, महान महिलाओं पर लिखी हुई किताबें, झांसी की रानी, सरोजनी नायडू, ये मदर टेरेसा। मामा जी ये सब आपने पढ़ी है? हाँ बेटे, इन सबको पढ़ के ही तो जानता हूँ मैं। मामा जी औरतें पायलट हैं, कार चलाती हैं, एक से बढ़कर एक एथलीट्स है, क्या मैं भी इनकी तरह बन सकती हूँ? क्या मेरा भी इनकी तरह नाम हो सकता है? अरे क्यों नहीं हो सकता है बेटे, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी। निशा बेटे, ज्ञान ही शक्ति है, और यही शक्ति औरतों में कम देखने को मिलती है। यही इसी की वजह से तो औरतें कम शक्तिशाली होती हैं। मामा जी मैं भी शक्तिशाली बनूंगी। निशा तुम्हारे मामा ना तुम्हें भड़का रहे हैं, तुम उनकी बातों में मत आओ वरना तुम्हारा गांव में रहना मुश्किल हो जाएगा। बेटे तुम अपनी माँ से कह दो कि तुम गांव में नहीं रहोगे। मामा जी क्या गांव खराब होता है? नहीं बेटे, गांव तो बहुत अच्छे होते हैं, गांव के लोग बहुत अच्छे होते हैं, उनमें सिर्फ एक खराबी होती है, वो तरक्की नहीं करना चाहते, वो अपनी सोचने की शक्ति का इस्तेमाल नहीं करते। मामा जी क्या मैं सोच सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं सोच सकती हो, जब तुम बड़ी हो जाओगी तो सब कुछ बातें अपने आप समझने लगोगी। मामा जी क्या माँ सोच सकती है? क्यों? क्योंकि वो अपने विचारों में बंधी हुई है। क्या मामा जी सच कह रहे हैं? क्या उटपटांग बातें कर रहे हैं? बाबूजी, देखा मैंने साइकिल चलाना सीख लिया। निशा बेटे, मैंने कितनी बार तुझे समझाया है कि साइकिल चलाना लड़कियों का काम नहीं है, तू मेरी बात समझती नहीं है क्या बेटा? वाह बेटा वाह, तुम क्लास में फर्स्ट आई हो, हमें बड़ी खुशी हुई है, तुमने हमारा सिर गर्व से काफी ऊंचा किया है, अब आगे की पढ़ाई के लिए तुम्हें अपने गाँव से दूर जाना पड़ेगा। मास्टर जी स्कूल दूर है तो क्या हुआ, मैं अपनी पढ़ाई जारी रखूंगी, और पता है मैंने स्कूल जाने के लिए साइकिल भी सीख ली, पर बाबूजी मुझे साइकिल ही नहीं दिलाते, पिंकू ने मांगा तो उसको दिला दी। बेटा तुम अपनी पढ़ाई का ध्यान रखो, तुम्हारे पापा तुम्हारे स्कूल जाने का इंतजाम कर देंगे, आप अपना पढ़ाई में मस्त रहो, पढ़ाई में ध्यान लगाओ, और अब तुम्हारी 2 महीने की छुट्टी है, तुम मौज मस्ती करो। जी मास्टर जी मैं जा रही हूँ।